सभी को ज्ञात है 7 तारीख को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी। तो उसी दिन हमारी CIA 1 की टीम को गुप्त सूचना मिली और 7 अगस्त को सुबह के टाइम एक स्विफ्ट गाड़ी से 3 युवकों को अरेस्ट किया गया, जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी। उसमें संदीप था, एक गौतम था और एक नवीन था। उनसे पूछताछ की गई, उनसे जो आंसर की थी एक हार्ड कॉपी जो रिटर्न में, और कुछ जो मोबाइल से उन्होंने भेज रखी थी वो पुलिस को रिकवर हुई। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करी और आरोपी रमेश, जो कैथल में बालाजी एकेडमी नाम से चलाता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और अन्य आरोपी राजेश को अंबाला से काबू करके गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद एक छठवां सदस्य जो नरेंद्र है, निवासी हिसार को, उसको 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT टीम गठित की गई है, DSP CAW, CIA 1, CIA 2 और अन्य मुलाजिम साइबर सेल इंचार्ज इसमें लगाए गए हैं। जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें नरेंद्र ने जो आंसर की थी वो सप्लाई की थी रमेश को, जो यहाँ पे एकेडमी चलाता है। रमेश के कुछ कैंडिडेट्स थे जिसमें व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी लोगों को वो आगे फॉरवर्ड की थी। कुछ लोगों को ये रिटर्न में इन्होंने नोट भी कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो 7 अन्य आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला आरोपी उचाना कला जींद से है, जिसने अपने साली के लड़के के लिए वो की मंगवाई थी। उसके बाद दूसरा उचाना खुर्द जिला जींद से है, जिसने अपने काका के लड़के के लिए मंगवाई थी। एक और अन्य व्यक्ति है जिसने इवनिंग शिफ्ट, वही बता देंगे आपको। फिर चौथा निवासी दरोली खेड़ा निवासी जींद ने अपने लड़के के लिए मंगवाई थी। और इसी प्रकार से जींद के एक और व्यक्ति है जिसने मंगवाई थी, और एक आरोपी सेगा का है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6 आरोपियों की रिमांड ली जाएगी, उनसे फ़ोन की जो बरामदगी है और आगे की पूछताछ के लिए, और एक आरोपी को जुडिशल भेजा जाएगा। तो सर कैसे करते थे पेपर लीक वगैरह, कैसे पता लगा, कितने पैसे भेजते थे? अभी तक जो, क्योंकि अभी इसमें जो सोर्स है उसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक जैसे पता चला है कि नरेंद्र ने यहाँ पर कैथल में सप्लाई की थी रमेश को और अन्य लोगों को भी। तो जो इनकी डील हुई थी, नरेंद्र ने जहाँ से वो की ली, उन लोगों की 1 करोड़ में डील हुई थी कि 1 करोड़ रुपए वो देंगे, वो भी जब पेपर की सही प्रूव हो जाएगी उसके बाद। तो उसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन्होंने जो नीचे डील की थी, रमेश ने और बाकी कैंडिडेट्स ने, इन्होंने 12 से 18 लाख जितने भी जो लोग मिले इस प्रकार से डील की थी। जो नरेंद्र है उसने 10 लाख में की थी, रमेश ने फिर उसको किसी को 12 लाख में, किसी को 13 लाख में, इस प्रकार से कई कैंडिडेट से डील की थी। जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को 6 तारीख को शाम को मिल चुका था। उसके बाद पहले नरेंद्र को मिला 6-7 बजे, उसके बाद नरेंद्र ने इनको नोट कराया कैथल में आके रमेश को, और रमेश को और कुछ और कैंडिडेट जो अन्य लोग जो उनके साथ आए हुए थे उनको नोट कराया। तो ये लीक हुई। अब इसमें जो ऊपर की जानकारी है कि नरेंद्र को ये कहाँ से मिली और कहाँ से लीक हुई, इस बारे में पुलिस की जांच चल रही है। और जिन जिन आरोपियों को, जिन जिन लोगों ने ये डील की थी, जो रमेश से जो कि इनके पास पहुंची थी, उनमें से भी हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहली बार लीक किया या पहली बार लीक करवाया इन्होंने पेपर? अभी तक जो नरेंद्र की जो और रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी अकेडमी है और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, जो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। तो सर कोई राशि बरामद की गई है पेपरों को लेकर? अभी कोई राशि बरामद नहीं हुई है। जैसा कि मैंने बताया, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में,
और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। चारों पेपर की थी सर? अभी तक जो की है हमारे पास वो 7 तारीख की है सर। हाँ, चारों साइड। तो सर मौके पर क्या क्या बरामद हुआ इनके पास? जो इनके पास से जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल इनके हैं और एक हार्ड कॉपी जिसपे आंसर लिखे हुए थे ऑप्शंस, और एक हमारी जो व्हाट्सएप पे जो इन्होंने की भेज रखी थी ABCD, वो इनके मोबाइल में मिली है। कितने लोगों को भेजी? ये अभी इसमें अभी जांच चल रही है और 15 से 20 लोगों को इन्होंने शायद भेजी है, उसमें अभी वेरीफाई कर रहे हैं और उसमें से करीब 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एडवांस चेक कितने के लिए थे सर? एडवांस चेक जो लिए थे वो ग्राउंड में? अभी कुछ लोगों से अभी उसमें आगे की कार्रवाई चल रही है, जैसे कि मैंने बताया इन लोगों की अभी रिमांड ली जाएगी, तो अगर जिससे एडवांस चेक लिए हैं वो भी बरामद किए जाएंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ चीज़ें हमने बरामद की हैं। जो पुलिस है वो कड़ियाँ जोड़ते हुए जहाँ जहाँ से लीक हुई है उस अहम कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और हम उस तक पहुँचना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, जहाँ से ये सोर्स है, जहाँ से ये एक्चुअल में लीक हुई और इनके पास पहुँची और फिर किस प्रकार से इसको बांटा गया और इसकी क्या डील हुई। उस स्विफ्ट गाड़ी में मैंने बताया था आपको 3 लोगों को पकड़ा गया था, जो सुबह ये माता गेट कैथल के नज़दीक से स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई थी। सर ये हैदराबाद की एजेंसी में बने एजेंसी, हैदराबाद एजेंसी तो ऐसा भी कोई लिंक मिल रहा है कि हैदराबाद से भी? देखिए मैंने बताया अभी हमारी जांच चल रही है और जांच में अभी कोई लिंक नहीं आया है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कोई चीज आती है तो आपको बताया जाएगा। सर जैसे आपने कहा कि नरेंद्र डील की, क्या जिससे डील की तो पुलिस पहुंच पाई है नरेंद्र से आगे? मतलब नरेंद्र हाँ, उस बारे में हमारी कार्रवाई चल रही है और उसमें जैसे ही कुछ होता है आपको फिर बताया जाएगा। कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है इसमें? नहीं अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, मैंने जैसा कि बताया अभी तक हमारे जो आरोपी हैं जो जिनके पास की पहुंची थी वहां तक हम पहुंचे हैं, एक एक लेवल ऊपर हम जाते जा रहे हैं और अब आगे जो जो आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई चलेगी। टोटल अभी तक कितने आरोपी जो पकड़े गए हैं? 13 आरोपी इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कैथल में सर इस टीम के जो कैथल के मेन पकड़े हैं उन्होंने कितने कुल लोगों से डील किया सर? देखिए अभी इसमें क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अभी सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमा फेसी रमेश ने 15 से 20 लोगों के साथ लगता है शेयर की है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जो सिटर्स भी थे जो कि भाई किसी और की जगह कोई और बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस बारे में भी कुछ एविडेंस आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसमें यह था कि ये लोग प्रारंभिक पूछताछ में जो आया कि जो आधार कार्ड है उसको एडिट करके और उसमें सिमिलर मैचिंग फेस के कैंडिडेट को बिठा देते थे और उसको मिक्सिंग करके फोटो को, तो उस बारे में भी अलग से जांच चल रही है। ये अंबाला से सर जैसे किसी ग्रो में नहीं, ग्रो में है कि नहीं एग्जैक्टली देखिए नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली हमें जो इन लोगों को पकड़ा, तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा भी चल रहा है तो उसके बिना पर फिर हमने इनको पकड़ा है। सर जो पेपर होता है एग्जाम सेंटर पे, ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था, 7 तारीख को एग्जाम था, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है ये 6 तारीख को शाम को इनको अवेलेबल हो गया था, तो ये सेंटर से लीक होने की तो बात ही नहीं रही उसमें। अभी तक तो ये है कि पहले ही लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है वो अब जांच का विषय है। तो इन्होंने बताया कि अंबाला में इन्होंने बिठाया था किसी और माध्यम से सर वो सामने आई, वो अभी जांच चल रही है, जो सारी बातें हैं वो जांच का विषय है। मैंने बताया ना वो सारी अभी जांच का विषय है, उसमें अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो बातें पता चलेगी। जो 13 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें मुख्य आरोपी कौन कौन और उनका काम क्या था सर, पिछला बैकग्राउंड की बात? जो मुख्य आरोपी जैसे कि मैंने बताया कि नरेंद्र है, नरेंद्र जिसने सप्लाई की यहाँ पर, और जो मेन है जो कैथल में है वो रमेश है जिसकी एकेडमी थी, जिसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे और जिसने ये मतलब डील की थी कि 10 से 12 लाख में या 15 लाख में हम पेपर प्रोवाइड करा देंगे। नरेंद्र का काम क्या था सर? सिर्फ यही काम था या कुछ और भी था? अभी तक तो यही है, बाकी पूछताछ जा रही है। देखिए अभी उस बारे में अभी पूछताछ हो रही है, तो जैसी चीज़ें कन्फर्म होंगी आपको बताएंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी हमें नहीं आया, रमेश का ये पेपर कई लोगों के सेट कराने में या उनको लगवाने में ये बात आई है, जो प्रारंभिक इससे जो पूछताछ हुई है उसमें ये बात सामने आई है। उसकी मुझे जानकारी तो सर जो एग्जाम में इसके माध्यम से नौकरी लग चुके हैं क्या कहीं ना कहीं उसकी भी पड़ताल होगी सर जो फर्जी।